10 दिनों तक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने नौका चालकों को दिया प्रशिक्षण। नर्मदा नदी पर सुरक्षित नौका विहार का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। महेश्वर मंगलवार को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड MPTB पर्यटन को बढ़ावा देने और नर्मदा नदी पर सुरक्षित नौका विहार का अनुभव प्रदान करने के तहत अहिल्या घाट पर नाविकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भावसिंह लोधी और शिव शेखर शुक्ला, प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड MPTV और प्रमुख सचिव पर्यटन के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नौका चालकों के कौशल विकास और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रथम चरण में 40 नौका चालकों को पावर बोट संचालन और जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को OBM इंजन संचालन, जीवन रक्षक तकनीक, पर्यटन से संबंधित जानकारी और ग्राहक सेवा प्रदान करने के कौशल सिखाए गए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नौका चालकों के पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे उन्हें न केवल अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यटकों को एक सुरक्षित और यादगार नौका विहार का अनुभव प्रदान कराएगा। इससे अहिल्या घाट पर नौका विहार करना पर्यटकों के लिए और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। जैसा आप सबको मालूम है, महेश्वर में बहुत पर्यटक आते हैं जो नर्मदा नदी में नौका विहार करते हैं। यहाँ नौका विहार का जो व्यवसाय है, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की कोशिश थी कि सारे जो नौका चालक हैं उनको पावर बोट हैंडलिंग और लाइफ सेविंग टेक्निक में प्रशिक्षित किया जाए। यह प्रशिक्षण हमने 19 तारीख से शुरू किया था और आज इसका समापन है। इसमें 40 नाव संचालकों को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे प्रमुख सचिव महोदय चाहते हैं कि सारे नर्मदा नदी के किनारे जितने भी बोट चालक हैं उन सबको इसमें प्रशिक्षित किया जाए, क्यों ताकि यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं वो सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षा के माहौल में इस पर्यटन गतिविधियों का आनंद ले सकें। सर, प्रशिक्षण में क्या क्या पाठ सिखाएंगे? प्रशिक्षण में दो हिस्से थे। एक तो पावर बोट हैंडलिंग का एक हिस्सा था, क्योंकि हम यहाँ जो बोट संचालित होती हैं उनमें इंजन से संचालित होती हैं, तो उनमें किस तरह की परेशानियाँ आती हैं उस पर प्रशिक्षण था। और दूसरा था लाइफ सेविंग टेक्निक। कभी आप लोगों ने आज देखा होगा नाव के इस संबंध में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन घाट पे किए गए कि कैसे जो पर्यटक डूबने लगते हैं या कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें किस तरह से बचाया जाए, उसमें किस किस तरह से, और जो बचाव करता है वो भी किस तरह सुरक्षित रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू बचाव कार्यों का होता है कि जो बचाव कर्मी है वो भी सुरक्षित रहे। इन सब बातों पे हमने प्रशिक्षण 10 दिन का इनका कराया है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, महेश्वर। मार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।